हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीज़न क्यों कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन पाते हैं और कुछ लोग मिडिल क्लास और गरीब रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझिए, पहला बाप उसका अपना था और दूसरा उसके दोस्त का बाप उसका मुंह बोला बाप था। पहले वाले ने PhD की थी पर दूसरे वाले ने कभी 8th भी पास नहीं की। दोनों ही बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्कर थे पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है और दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रॉबर्ट को सारी महंगी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मना करता था और कहता था कि वो सारी चीज़ें हमारी हैसियत से बाहर हैं। दूसरा बोलता था कि वो सोचे और वो सारे रास्ते खोज के निकाले जिनसे वो उन चीज़ों को खरीद सके। ये करने से उसका दिमाग भी तेज होगा और नए आइडियाज़ भी आएंगे। पहला उसे बोलता था कि तू मन लगाकर पढ़ और एक बड़ी नौकरी कर और तू बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा बोलता था कि तू खूब पढ़, खूब मेहनत कर पर अपनी कंपनी खोल जिससे तू औरों को काम दे सके और दूसरों को खूब सारी नौकरियां दिला सके। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था कि उसने अपने दोनों बापों को साथ साथ आगे बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बात मानी, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बना और उसके दूसरे बाप की सिखाई हुई बातों से उसने करोड़ों कमाए जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बातों में से एक बात जो उसने अपने अमीर बाप से सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। इसमें ऑथर का मतलब कॉमर्स फील्ड में सिखाई गई एसेट्स और लाइबिलिटी से थोड़ा अलग है, तो आप गौर से सुनिए। रॉबर्ट ने काफ़ी इजी शब्दों में इसका मीनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स वो सारी चीज़ें होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपकी जेब में पैसे डाले। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे जेब से निकाल दे। अमीर लोग इसीलिए ज़्यादा अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ लाइबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती तो रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट, नई बाइक्स खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। लेकिन वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ हैं जो कि उससे उसके पैसे ले रही हैं जब वो उन चीज़ों को खरीदता है, बल्कि उसके बाद भी उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विस एट्सेट्रा में भी वो उससे उसके पैसे ले ही रही हैं और जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी और ना ही वो उसे कुछ प्रॉफिट देके जाएगी। पर दूसरी साइड सुरेश ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदता था जिसकी उसे ज़रूरत ना हो, जो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट्स एट्सेट्रा, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए ताकि वो उसे आगे कुछ प्रॉफिट देकर जाए। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया लेकिन रमेश वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कि कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का बड़ा रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो हमेशा ऐसा होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे उसके ज़रूरी काम में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं तो वो ज़रूरी कामों और लाइबिलिटीज़ में ख़त्म कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको भाड़े पे दो। अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, अमीर लोगों को पैसे मिलते हैं, उससे वो कुछ एसेट्स बनाते हैं और उन एसेट से वो अपना खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात हमेशा याद रखें। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आके इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनकी खराब कंडीशन का मेन रीज़न उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ों को खरीदने पर मजबूर करता है, जैसे कि एक बेहतर फ़ोन, कार, घर। पर ये सारी चीज़ें सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं। ये वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच और लाइफ चेंज की। और अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें इस टॉपिक के बारे में। फाइनली सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही काम की बातें जो मैंने दुनिया के सबसे समझदार लोगों से सीखी हैं हर वीक बताता रहूँगा, जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।